हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप विंडोज़ 10 अगर आपके पीसी या लैपटॉप में करप्ट हो जाए, वो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप ही देख सकते हैं कि मैंने अभी अपना लैपटॉप स्टार्ट किया और मेरी विंडोज़ 10 करप्ट हो चुकी है और ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। आप देखेंगे, आप इस वीडियो में देखें, अभी ये मेरा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एरर आ चुका है कि योर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करेक्टली, ऑटोमेटिक रिपेयर भी हमारा ये मेरा ये लैपटॉप नहीं हो रहा है। तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर आपके भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो आप करना क्या है, आपको एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ से आप ये सेकेंड ऑप्शन ट्रबल शूट वाला रीसेट योर पीसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये रीसेट दिस पीसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन ये अभी आ चुके हैं। इसमें हमारे पास ये एक ऑप्शन आ रहा है कि कीप माय फाइल्स। अगर आप फाइल्स को रखना चाहते हैं तो आप ये जो आपकी डिस्क में हो तो वो अगर फाइल और ऐप वो रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप उस सब हटाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैं अभी सारी ये फाइल्स हटाना चाहूँगा तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि हमें ये दो ऑप्शन दे रहा है कि डाउनलोड एंड रीइंस्टॉल विंडोज क्लाउड से या लोकल से। तो मैं इसे सिंपली लोकल पे सेलेक्ट करूंगा। देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन आए हैं कि योर पी सी हैज मोर देन वन ड्राइव, डू यू वॉन्ट टू रिमूव ऑल फाइल्स फ्रॉम ऑल ड्राइव। तो देख सकते हैं कि अगर मेरे अभी पी सी में इसमें तीन ड्राइव है, एक सी डी और ई। अगर इसमें ऑल ड्राइव्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे तीनों ड्राइव में से सारा डेटा उड़ जाएगा। अगर मैं फर्स्ट में करता हूँ तो जिस ड्राइव में मेरी विंडोज इंस्टॉल है वही वाली फॉर्मेट होगी। तो मैं सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करूँगा। देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन फिर आए कि जस्ट रिमूव माय फाइल्स और एक फुली क्लीन। अगर आप इसे रिकवर भी नहीं करना चाहते अपनी जो फाइल्स डिलीट हुई है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप उसे बाद में कभी रिकवर करना चाहें तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी सेकंड पे करूंगा। तो देख सकते हैं हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये थोड़ा टाइम ले सकती है। तो देख सकते हैं कि हमारे पास एक और ये मैसेज आया है, इसमें हमें दे रखा है कि ये आप पढ़ सकते हैं कि रिमूव ऑल पर्सनल फाइल एंड अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस, रिमूव एनी चेंजेस मेड टू सेटिंग्स, रिमूव ऑल एप्स एंड प्रोग्राम, रीइंस्टॉल विंडोज फ्रॉम दिस डिवाइस। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। अगर आप ये पूरा अपना पीसी रीसेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली अब इस पर रीसेट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये स्टार्ट हो चुकी है प्रोसेसिंग रीसेटिंग की। Thank you.
हाँ, तो आप यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इसमें इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी विंडोज़ 10 फिर से इंस्टॉल हो चुकी है। जो हमारी विंडोज़ पहले करप्ट थी, रीस्टार्ट नहीं हुई थी, ये हमारी वापस से रीइंस्टॉल होके स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पे अब अपनी लोकल डिस्क को देखूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरा सिर्फ सी का ही डेटा फॉर्मेट हुआ था, जो मेरा डी में और ई में था वो दोनों डेटा मेरा सेफ है, आप देख सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।